पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आगामी ईद पर किसी प्रकार की नवीनता परंपरा न पड़े, संबंध में राष्ट्रीय बजरंग दल महानगर मुरादाबाद एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर एक प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रदर्शन के माध्यम से मांग की है कि राष्ट्रीय बजरंग दल एक सामाजिक संगठन के साथ साथ धार्मिक संगठन भी है और समय समय पर हिंदू समाज के लिए कार्य करता रहता है। देखने में आया है कि जब से उत्तर प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से मुस्लिम तुष्टिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका सीधा परिणाम 31 मई को जुम्मा अलविदा की नमाज पर देखने को मिला। जुम्मा अलविदा की नमाज जो कि पारंपरिक तौर पर जामा मस्जिद के प्रांगण में की जाती है, परंतु कुछ वर्षों से कार्ट रोड गुलाब मस्जिद के बाहर भी NH-24 बंद करके हरिद्वार रोड को बाधित किया जाता है। उसी प्रकार NH-24 पर सड़क पर नमाज पढ़कर नई परंपरा लागू की जा रही है, जो बिल्कुल ही गैरकानूनी है। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता मुरादाबाद महानगर के अंदर जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुरादाबाद शहर के अंदर नवीन परंपरा के तहत लोग सड़कों पर NH-24 नेशनल हाईवे को बंद कर जाम लगाकर और नमाज अदा कर रहे हैं। नवीन परंपरा डाली जा रही है, ये किसके आधार पर हो रहा है? क्या शहर का प्रशासन सो रहा है? क्या शहर का प्रशासन शहर के अंदर दंगे कराना चाह रहा है? हिंदू समाज कोई अगर काम करे और वो नवीन परंपरा हो तो उस पर मुकदमा होते हैं, पर कोई भी समाज सड़कों पर बैठ कर नमाज अदा करता है, नई परंपरा डालता है, उसके लिए प्रशासन उसका सहयोग कर रहा है? और इसमें लिप्त अधिकारी जिन्होंने ये नमाज अदा करवाई है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। अगर ईद के दिन कहीं भी नवीन परंपरा के तहत नमाज अदा होती है तो राष्ट्रीय बजरंग दल शहर के चौराहे चौराहे पर मंगलवार के दिन नेशनल हाईवे जाम करेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, एक घंटा नेशनल हाईवे को बंद कर।